मैंने पहले ही कल शाम ही शिकायत दर्ज करवा दी है। हमारे आदरणीय साथी महेश जोशी जी ने जैसे ही मीडिया में टेप सामने आए, इन टेप्स के आधार पर जो तथ्य सामने आए जिनकी चर्चा आपसे की, तो कल देर रात आप जाकर एक लिखित दरख्वास्त देकर आए थे ये इन सब मांगों के साथ जो हमने आपके समक्ष रखी है। हमारी ये मांग है राजस्थान की सरकार से भी और राजस्थान की एसओजी से भी कि अब तो काफी साक्ष्य सामने आए हैं, दोषियों की गिरफ्तारी, दोषियों पर एफआईआर और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सचिन पायलट जी को एक्सपेल नहीं किया है, प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है। सचिन पायलट जी को क्यों नहीं? जिसका नाम सामने आया मित्र, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बाकी जांच चल रही है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। आदरणीय महेश जोशी जी ने इस सारी बात का संज्ञान लेकर बाकायदा एसओजी में एक प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए कल ही दरख्वास्त भी दे दी है। धन्यवाद। ये क्या पता चल पाया है कि बातचीत कितने दिन पुरानी है, कुछ आसपास ही कोई डेट 10 दिन पुरानी है, 15 दिन पुरानी है? आदरणीय मित्र, पहली बात तो अब एसओजी इस बातचीत की जांच करेगी और इसकी वैधता की जांच करेगी, क्या षड्यंत्र था इसकी जांच करेगी, इसकी बाकायदा जांच भी करेगी, इसकी वैधता की भी जांच होगी, जिन लोगों के इसमें नाम है उनके बयान भी दर्ज होंगे उनके खिलाफ। मेरा ये मानना है अब एसओजी को अब क्या देरी है, अब गजेंद्र शेखावत जी पर, भंवरलाल शर्मा जी पर, इन ये जो जैन साहब इसमें तथाकथित बातचीत में, इन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, जरूरत हो तो गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि आप कितने भी बड़े हों, इस देश का संविधान और कानून आपसे बड़ा है। जब हम संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान के संरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं, चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्रकारी तरीकों से विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने की नहीं, जो कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ता की लूट और सत्ता की हवस मिटाने की बजाय करने की बजाय। और कोई काम अब भाजपा के पास बचा है क्या? प्रश्न ये है, ये मामला इस समय एसओजी के पास विचाराधीन है, इससे ज्यादा इस मामले पर टिप्पणी करना अनुचित रहेगा।